ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिटर थ्योरी का, ठीक है। फिटर थ्योरी यहाँ आपको दिख रहा होगा आईटीआई सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास होगी और जो हमारा टारगेट है एग्ज़ाम 2023 जो आपका एग्ज़ाम होगा 2023 में, उसको टारगेट में लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर पास आउट जो लोग हो गए हैं और सेकेंड ईयर में इस समय पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और इस बार हम लोग बिल्कुल टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने क्लासेज अभी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें। और जैसे आप लोग पिछली बार ज़्यादातर बच्चे जुड़े रहे होंगे, लोग लास्ट में जुड़ते हैं ना, धीरे धीरे जब एग्ज़ाम आता है तब पता चलता है, उसके बाद आप लोग उनसे जुड़ते हो और फिर क्या होता है कि मतलब अच्छे नंबर आए थे, ऐसा नहीं है 70 नंबर 80 नंबर इतना नंबर तक लोगों ने लाया था थ्योरी में। और इस बार का हमारा टारगेट है कि आप कम से कम 95+ ले आओ, 100 में से 95+ लाओ, 98 आए 99 तक आ जाए, ये हमारा टारगेट है। और इसके लिए हमने अभी से वीडियो स्टार्ट कर दी है और इसमें आपको हमारा साथ देना है, ठीक है। मतलब अगर हमने स्टार्ट कर दिया था, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आज से पढ़ाई में लग जाओ। अरे जो हमारा टारगेट है कि ग्लोबल आईटीआई के जो भी बच्चे हैं, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको इस बार अच्छे से अच्छे मार्क लाना है। 95 के नीचे तो कोई बात ही नहीं, अगर उसके नीचे आता है तो हमारा पढ़ना बेकार है फिर। तो इसी निश्चय के साथ आप लोग लग जाइए कि नहीं, इस बार जो है हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। इसीलिए मैंने पहले क्लासेज स्टार्ट कर दी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब हम ही लेट स्टार्ट करेंगे तो आप लोग भी लेट से जगेंगे, ठीक है। जब मैं ही लेट कर दूंगा तो आप लोग भी लास्ट में लेट से आते हो, फिर एक दो महीने में जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना, रटना रटाना, फिर वो फिर मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार क्या किया, पहले सी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। और चूंकि पहली क्लास है तो थोड़ी सी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे आप जो क्लासेस पढ़ोगे, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि अब इनका टेस्ट आप कहाँ से दे पाओ। जैसे आपको वीडियो क्लासेस पढ़नी है और टेस्ट देना है, जैसे आप वीडियो क्लासेस यहाँ पे देख लो, देखने के बाद आप तुरंत वेबसाइट पर जाइए, वहाँ टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितना याद हुआ, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। तो टेस्ट आप कहाँ से दे पाओगे, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा www.globalitea.org, ठीक है। इस पर जाकर के टेस्ट कैसे देना है मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ें बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपने मोबाइल में हो या लैपटॉप में है, जहाँ भी चाहो आप वहाँ चला सकते हो इसको। आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है क्या, ग्लोबल आईटीआई। गूगल में सर्च करेंगे आप ग्लोबल आईटीआई, सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globalitea.org, और ऐसे हिंदी में लिखा हुआ ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटी स्टूडेंट, पहले वाले साइट पे आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में है तो, मोबाइल में होगा तो ये जो आपको ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल के राइट साइड कॉर्नर में ऐसे तीन लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है, इन तीन लाइनों पे आपको क्लिक करना है, तब आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देने लेंगे। उसके बाद आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना, जैसे ही आप आईटीआई कोर्स पे क्लिक करोगे उसमें ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है, फिटर थ्योरी पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर नया पेज ओपन होगा और उसको फिर आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, लिखा है ना, आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकंड ईयर। चूंकि ये सेकंड ईयर की वीडियो है तो सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेंगे, नया टैब ओपन होगा और उसके बाद आप नीचे को स्लाइड करना है आपको, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए पहले ही फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट 2023। यहाँ पे दो टेस्ट पड़े हुए हैं, आगे भी टेस्ट आपके धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करना, टेस्ट को दीजिए और उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टेस्ट कैसा मतलब चल रहा है, आपके लिए सही है या नहीं है, इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आपको कमेंट करके जरूर बताना कि टेस्ट आपको देने में कैसा लगा, या फिर इसकी मतलब होता नहीं कैसा चल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे एक करिकुलम का भी ऑप्शन है, यहाँ देखो ओवरव्यू करिकुलम, करिकुलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए चैप्टर वाइज भी टेस्ट पड़ा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप। ओवरव्यू वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मल आप सामने ओपन होगा, और फिटर थ्योरी सेकंड ईयर है ना, नीचे पीडीएफ वगैरह भी पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ ना कि जैसे ढेर सारे पीडीएफ ना दे करके हम लोग 100-100 क्वेश्चन के 4-5 पीडीएफ देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप लोग को आसानी होगी डाउनलोड करने में भी, पढ़ने में भी। तो जैसे ही 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको पीडीएफ उसका प्रिपेयर करके इकट्ठा दे दिया जाएगा। अब जैसे एक टेस्ट मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ कि टेस्ट चलेगा कैसे। इस पर हमने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद इस टाइप से बंद करे पे क्लिक कर दीजिएगा आप, आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट 1। फिर नीचे को स्लाइड करना आप, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क्वेश्चन 20, ड्यूरेशन 20 मिनट का, पासिंग ग्रेड 33%। स्टार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे टाइमर चलने लगा, 1957 1956, 20 मिनट का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है और इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है,
तो आप लोग जो भी क्वेश्चन इसमें मतलब ऑप्शन सही हो उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जैसे एक नए के आगे पहला क्वेश्चन हो गया, अब दो पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, तो भी आगे चला जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना जरूरी नहीं है, दो तीन ऐसे क्लिक करते चले जाइए। अब पूछा स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर टिक कर लीजिए। फिर अब आगे दो क्वेश्चन हो गया, आप तीसरे पे क्लिक कर लीजिए, तीसरे क्लिक कर लिया हमने, अब नीचे स्लाइड करेंगे, देखिए देखना इस लिमिट गेज का नाम क्या है, यह आपके सामने फिगर है, ठीक है। और उसके बाद अब हम नीचे ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा है इसमें, जो भी सही लगे उस पर क्लिक कर लीजिए, फिर चार नंबर पर क्लिक कर लीजिए। इस टाइप से मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आपको आंसर वगैरह देखना है, आप पास हुए क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको कहाँ शो करेगी। फिर नीचे को आप स्लाइड कर लेंगे, ठीक है, फिर इसका जो ऑप्शन है उस पर टिक कर लीजिए, सॉरी अब पाँच पे क्लिक कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन है ऐसे ही मैं टिक कर दे रहा हूँ, सात पे कर लेते हैं, आठ पे कर लेते हैं, अब जैसे आठ हो गया पीला वाला, अब इसके जस्ट आगे नौ पे क्लिक कर लीजिए नेक्स्ट हो जाएगा, अब दस पे क्लिक कर लीजिए, ग्यारह पे कर लीजिए, बारह पे, मतलब जो भी है ऐसे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे ही क्लिक कर दे रहा हूँ फटाफट, बस आपको दिखाने के लिए कैसे आपको करना है। सोलह पे इस टाइप से, सत्रह, अट्ठारह पे कर लेते हैं, जो भी होगा ऑप्शन टिक कीजिए, आगे वाले नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे की का पूछ रखा है, यहाँ पे जो भी है अपना, अब बीस पे क्लिक कर लीजिए, अब बीस वाले को ऑप्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा तो नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए आएगा फिनिश क्विज, क्योंकि हमने बीसों क्वेश्चन का आंसर दे लिया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे जा करके क्या फिनिश क्विज पे आपको क्लिक कर देना, लिख रहा आर यू श्योर टू सबमिट द क्विज, ओके ओके कर देंगे आप। यहाँ पे देखिए दिखाएगा कि क्या स्थिति रही, तो देखिए फेल हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि मैंने ऐसे ही टिक कर दिया था। देखिए 25% अपान 33%, ठीक है, 33 पे पासिंग था लेकिन 25% ही आया हुआ, ये कह रहा है। यहाँ नीचे पूरी डिटेल भी दिखाएगी, टाइम स्पेंड 2 मिनट 5 सेकंड का लगा था, पॉइंट कितना था, तो 5/20, ठीक है, मतलब 20 में से 5 क्वेश्चन सही हुए थे, और क्वेश्चन 20 करेक्ट 5 और रॉन्ग 15, देखिए दिया हुआ ना, क्वेश्चन कितने थे 20 थे, करेक्ट कितना हुआ 5 हुआ, रॉन्ग कितना हुआ 15 हुआ, स्किप कोई भी स्किप नहीं किया गया। अब इसके बाद अगर आप दोबारा से टेस्ट देना चाहते हैं तो रीटेक पे क्लिक करके दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप देखना चाह रहे हैं कि किसका कौन सा आंसर सही है और मैंने क्या गलत किया, ठीक है, तो उसके लिए रिव्यू पे क्लिक करना होगा। रिव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन टिक किए थे और सही कौन सा है, वो दोनों दिखाएगा। और रिटेक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से फिर से टेस्ट दे सकते हैं, जैसे रिव्यू पे क्लिक कर लीजिए आप, तो यहाँ पे दिखा रहा इसके लिए कौन सा होगा, तो देखिए यही वाला ग्रीन भी है और इसी पे टिक भी है, मतलब यही आपने भी टिक लगाया था और यही आंसर भी सही है। दो पे जाएंगे, इसमें भी देखिए सही है, वही वाला ग्रीन है, ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है ना, और उसी पे ग्रीन टिक भी है, मतलब यही आपने भी टिक किया था और यही सही भी है। तीन नंबर पे देख लेते हैं, इस लिमिट गेज का नाम क्या है, इसमें भी देखिए बिल्कुल सही है, वही वाला ऑप्शन है और वही सही है। गलत वाला कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग देखेंगे, अभी दूसरा ऑप्शन आएगा तो वहां पे पता चलेगा। जैसे इसमें देखिए रिंग गेज, ठीक है, ये क्या था आपका, ये रिंग गेज था आपका, तो यहाँ पे दे रहा है कि देखिए प्लग गेज है, ये प्लग गेज पे टिक किया गया, टिक किया मतलब आपने प्लग गेज टिक किया था, मतलब मैंने प्लग गेज टिक किया था, जबकि ऑप्शन कौन सा सही है, रिंग गेज वाला सही है, तो ग्रीन है और ये रेड है, मतलब ये वाला हमने गलत टिक कर दिया था जबकि सही ये वाला था। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब पांच नंबर में देखिए इसमें भी वही चीज है, मिलने वाले भागों के बीच का गैप चेक करने के लिए टिक कौन सा है, जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है मतलब वो हमने टिक किया था, और जो ये ब्रैकेट में है मतलब ये सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया है कि हमने इसको टिक किया और ये रेड है, मतलब गलत हो गया है। सही वाला कौन सा है, फिलर गेज है, ग्रीन कलर का है, तो जो ग्रीन कलर के बॉक्स में होगा सही आंसर होगा, जो आपने टिक किया होगा वो रेड कलर के बॉक्स में रहेगा, तो मतलब गलत हो गया इसलिए। और अगर यही हमारा सही रहता और वही ऑप्शन भी सही रहता तो ये दोनों इसी में ग्रीन टिक लगा हुआ था कि आपने भी यही टिक किया था और ऑप्शन भी यही सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, और रीटेक पे क्लिक करके दोबारा फिर से इसको आप दोबारा से दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक है, रिजल्ट पे क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे चले जाइए और रिटेक पे करके दोबारा से आप टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये रहा तरीका आपका टेस्ट देने का, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा होगा, बट आप लोग इस तरह से टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसके। क्वेश्चन है आपका पहला, देखिए इस बार हम लोग ये भी है, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, प्लस आपके क्वेश्चंस जैसे आएंगे एग्जाम तो फिगर नहीं रहेगा, मैंने इस बार फिगर भी लिया हुआ जिससे आपको समझने में आसानी, क्योंकि रटने वाली बात नहीं है, मैंने पहले बोला इस बार हमारा टारगेट है 95+ के नीचे किसी का भी नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना होगा, फिगर आपके सामने रहेगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो
जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क मतलब जहां पे पतली जगह हो, संकीर्ण जगह हो, वहां पे काम करने के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा रेड नॉट फाइल है और चौथा स्विस पैटर्न फाइल है। जो हमारा पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है यही हमारा किसका फिगर है, पिलर फाइल का है। ठीक है, पिलर फाइल कैसी होती है, तो यह हैंड फाइल के समान होती है, हैंड फाइल के ही समान होती है। बस फर्क क्या है कि यह हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। जैसे हैंड फाइल की जो चौड़ाई होती है उसकी अपेक्षा पिलर फाइल कम चौड़ी होती है, इसीलिए नैरो जगहों पर भी यूज की जा सकती है। क्योंकि जब चौड़ाई कम रहेगी तो वहां जहां नैरो मतलब संकीर्ण जगह, जहां सक्रिय जगह है, वहां पर भी आराम से चला जाएगा। चौड़ा रहेगा तो नैरो स्थान पर नहीं जाएगा ना, तो इसीलिए जो पिलर फाइल होता है वह हैंड फाइल के समान होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा चौड़ाई में पतली होती है और मोटाई में उसकी अपेक्षा अधिक मोटी होती है। चौड़ाई उसकी अपेक्षा, हैंड फाइल की अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम और मोटाई उसकी अपेक्षा अधिक होती है। इसका यूज जो होता है पिलर फाइल का, हम यूज संकीर्ण जगहों पे नैरो वर्क के लिए कर सकते हैं, या फिर कीवेज वगैरह जो खांचे होते हैं उनकी जगह भी फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा, देखिए आयताकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल कैसी होती है, तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है यह किसका है, स्क्वायर फाइल का है। किसका फिगर है, यह स्क्वायर फाइल का है। यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा इसकी आकृति कैसी है, स्क्वायर जैसी यहाँ अलग से दिखाया भी गया है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि यह आयताकार आकृति का था। स्क्वायर फाइल वर्ग की आकृति की, स्क्वायर की आकृति, क्योंकि यहाँ फिगर में साफ साफ दिख भी रहा होगा। इसका यूज किया जाता है, देखिए है ना, किसी आयताकार स्लॉट में अगर हमें फाइलिंग करनी हो, या वर्गाकार खांचा हो, या आयताकार खांचा हो, या फिर वर्गाकार होल हो, उनकी फाइलिंग करने के लिए हम स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। वहीं पे बात करें ड्रेड नॉट फाइल की, यह भी एक स्पेशल फाइल है, इधर आपको साइड में दिख रहा होगा इसका फिगर, ड्रेड नॉट फाइल। ठीक है, इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करने के लिए, या फिर खास करके ज्यादातर इसका यूज होता है लकड़ी या प्लास्टिक की घिसाई के लिए। किसकी, लकड़ी या प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी हम ड्रेड नॉट फाइल का यूज करते हैं, या फिर नॉन मेटेलिक के लिए। किसके लिए, नॉन मेटेलिक के लिए भी ड्रेड नॉट फाइल का यूज किया जाता है। उसके अलावा आप जैसे सॉफ्ट मटेरियल हो गया आपका, तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनसे अधिक मात्रा में मटेरियल काटने के लिए भी ड्रेड नॉट फाइल का यूज किया जाता है। मेन आप ध्यान रखना कि लकड़ी प्लास्टिक वगैरह की घिसाई करने के लिए, नॉन मेटेलिक की घिसाई करने के लिए ड्रेड नॉट फाइल की यूज किया जाता है। ये आपका सामने आपको फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद आता है स्विस पैटर्न फाइल क्या है, तो स्विस पैटर्न फाइल आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन में, सॉरी फिगर में। ये फिगर मैंने आपको बताया, जैसा कि फिगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझने के लिए। तो ये स्विस पैटर्न फाइल है आपकी, और स्विस पैटर्न फाइल कुछ इस टाइप से दिखती है आपकी आकृति, आपको दिख रहा होगा। एग्जाम में कभी कभी आपको फिगर देकर के पूछ लेता है, इसलिए मैं फिगर भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए, अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तो स्विस पैटर्न जो फाइल होता है हमारा ना, यह अधिक कह सकते हैं प्रिसीजन उसके लिए, क्या फिनिशिंग के लिए, प्रिसीजन स्मूथिंग के लिए, मतलब इसके द्वारा अधिक परिशुद्ध चिकनाई प्राप्त होती है, अधिक चिकनी सतह प्राप्त होती है, बिल्कुल एक्यूरेट, या कह सकते हैं आप एक्यूरेट माप प्राप्त करने के लिए, इसके लिए सटीक माप या एक्यूरेट साइज प्राप्त करने के लिए, या कह लीजिए सटीक माप प्राप्त करने के लिए भी इस फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, सटीक माप प्राप्त कर सकते हैं, एक्यूरेट साइज प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसको फिनिशिंग टूल भी इसलिए कहते हैं, स्विस पैटर्न फाइल को फिनिशिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फिनिशिंग टूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विस पैटर्न फाइल। तो सभी फाइलों के बारे में हमने जाना, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था हमारा, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब डिटेल में, ऐसा नहीं कि रटने वाली चीजें है, उसके बारे में ध्यान से अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप वैसे टेस्ट भी दीजिए। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, स्लॉटेड कैसल नट में। ठीक है, देखिए हमारा नट होता है अलग अलग टाइप के, नॉर्मल नट आपने देखा होगा और लॉक नट होता है। तो जो कैसल या स्लॉटेड नट आते हैं सब हमारे लॉक नट के अंतर्गत आते हैं। लॉक नट क्या होता है, तो जैसे
कोई भी मशीन में अगर नट वगैरह बोल्ट वगैरह टाइट किया गया है तो जब उसमें वाइब्रेशन होता है तो कई बार देखते हैं वाइब्रेशन होता तो नट खुल करके गिर जाता है। साइकिल वगैरह में भी हमारे साथ ज़्यादातर होता था कि साइकिल चलते चलते कोई ना कोई उसमें का नट बोल्ट खुल करके गिर जाता था, फिर वहाँ से आवाज़ आने लगता था तो पता चलता था वो इसका तो नट ही गिर गया। तो वो क्यों गिरता था? वाइब्रेशन होता, चलते चलते जब वो हिलता था वाइब्रेशन होता था तो नट बोल्ट खुल जाते थे। तो ऐसी जगहों पर जैसे फैन होता है वहाँ पर भी रिस्क रहता है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है हम इस टाइप की नट यूज करते हैं, स्लॉटेड या कैसल नट, ठीक है, स्लॉटेड या कैसल नट यूज करते हैं। इसमें स्प्लिट पिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी पूछा है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है। देखिए ये स्लॉटेड नट है या कैसल नट है, इसमें भी ये स्लॉट कटा हुआ है और इस स्लॉटेड नट में भी स्लॉट कटा हुआ है, और यह कैसल नट है कैसल नट में भी स्लॉट कटा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि स्लॉट क्यों दिया गया है। तो यहाँ अभी छोड़िए, हम इसको समझ लेंगे, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। तो देखिए कैसल नट क्या है, स्लॉटेड नट क्या है। स्लॉटेड नट में क्या हुआ, स्लॉटेड नट में इस नट जो है नट की मोटाई है इसी में 1/3 गहराई तक स्लॉट काट दिया गया। जो हमारी नट की मोटाई थी इसी में 1/3 गहराई तक क्या स्लॉट काट दिया गया। जबकि कैसल नट में क्या किया गया है, जो नट की मोटाई थी वह उतनी की उतनी है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। इसके ऊपर सिलेंडरकल आकार में मतलब बेलनाकार आकार में इस नट के ऊपर बेलनाकार आकार में कुछ आकृति बढ़ा दी गई है और फिर उसमें स्लॉट काटा गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए जो स्लॉटेड नट था तो हमने क्या किया कि ये स्लॉट इसलिए काटते हैं ताकि इसमें स्प्लिट पिन डाल सके। जो हमारा यहाँ पे यह बोल्ट है, बोल्ट में एक छेद रहता है, बोल्ट में क्या रहता है छेद कर देते हैं। आपने फैन में देखा होगा, फैन के बोल्ट में छेद रहता है फिर उसमें पिन डाल देते हैं, स्प्लिट पिन इस टाइप से रहती है पतली सी, ठीक है, डाल करके फिर दोनों को दोनों साइड मोड़ दिया जाता है जिससे कि यह बाहर ना निकले और नट खुलेगा भी नहीं क्योंकि आगे उसको रोक करके रखता है। तो ऐसे ही यह क्या होता है आपका स्प्लिट पिन होता है, स्प्लिट पिन। तो यह हो गया आपका नट, नट में स्लॉट काट दिया गया और उसके बाद बोल्ट में एक छेद कर दिया जाता है। तो जो छेद है जिस स्लॉट के सीध में आता है यह स्प्लिट पिन पहले कैसे रहती है, पहले हमारी स्प्लिट पिन जो रहती है बिल्कुल सीधी रहती है, तो उस स्लॉट में से होते हुए छेद में से बोल्ट के होते हुए बाहर निकाल देते हैं और उसके फिर दोनों पैरों को दोनों साइड मोड़ देते हैं जिससे खुले ना, इसलिए इसको लॉक नट में रखा जाता है। तो जब पहले स्लॉटेड नट बनाया गया तो इसमें क्या बताया गया कि इससे इसमें 1/3 गहराई तक स्लॉट काट दिया गया, इससे इस नट की सामर्थ्य कमजोर होगी। भाई नट कमजोर हो गया ना, इतना मोटा नट था आपने ढेर सारा इसमें स्लॉट काट दिया तो नट कमजोर हो गया। तो नट की सामर्थ्य कम ना हो इसके लिए स्लॉटेड नट की जगह फिर क्या बनाया गया, कैसल नट बनाया गया। कैसल नट में क्या किया गया कि इसकी जो मोटाई थी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया जिससे इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके ऊपर अलग से गोलाकार भाग सिलेंडर बेलनाकार भाग बढ़ा दिया गया और उसमें स्लॉट काटा गया जिससे कि हम स्प्लिट पिन यूज कर सके इसको, इस नट को लॉक करने के लिए। तो आई बात समझ में, कैसल नट क्यों बनाया गया, जिससे कि उसकी सामर्थ्य कम ना हो, इसमें इसमें काटने से स्लॉट सामर्थ्य कम हो रहा था इसलिए हमने उसको बनाया। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। स्लॉट क्यों बना हुआ, ताकि स्प्लिट पिन डाल करके उसमें फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा ना। देखिए अगला क्या कह रहा है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। यहाँ पे आपके सामने गेज दे रखा है, फिगर, देखिए इसमें फिगर दे रखा है लेकिन फिगर ए वाला दिया हुआ, बाकी फिगर हमने अलग से लिया हुआ आपको समझने के लिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है अलग से, ये मैंने लिया हुआ अलग से आपको समझने के लिए। फिगर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में वो फिगर देगा, पूछेगा क्या, पूछ रखा है इस लिमिट गेज का नाम क्या है। यहाँ पे गेज दे रखा है, इस पे देखिए लिखा हुआ है, इस पे गो लिखा हुआ है, इस पे नो गो लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डबल एंडेड प्लग गेज। देखिए प्लेन रिंग गेज क्या होता है, तो रिंग गेज कहा हुआ, देखिए मेन हमें दो चीजें जाननी है इसमें, रिंग और प्लग, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिंग गेज और प्लग गेज, दो एग्जाम में ज्यादातर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके अलग अलग टाइप है, जैसे प्लग गेज है, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, डबल एंडेड प्लग गेज है, तो ये अलग अलग है आकृति के हिसाब से, तो अलग बात है। पर मेन डिफरेंस क्या है रिंग गेज में और प्लग गेज में, कि प्लग गेज का काम क्या है, रिंग गेज का काम क्या है। तो देखिए दोनों है, एक एक्सटर्नल के लिए है, एक इंटरनल के लिए है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी, बाहरी, और इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, तो आंतरिक माप के लिए है और यह बाहरी, एक्सटर्नल मेजरमेंट बाहरी माप के लिए।
याद करने का तरीका, जैसे जो रिंग गेज होता है ना, यह किसी भी जॉब की बाहरी माप को चेक करता है। कोई बेलनाकार जैसे जॉब हो गया, इसके बाहरी व्यास को चेक करेगा रिंग गेज, जबकि आंतरिक को कौन चेक करेगा? प्लग गेज चेक करेगा। अब ये चीजें याद कैसी रहेगी कि भूल ना जाए, जैसे रिंग गेज बाहरी माप को चेक कर रहा है और प्लग गेज आंतरिक माप को चेक कर रहा है। मतलब अगर कहीं पे होल बना हुआ, क्या बना हुआ कहीं पे? होल बना हुआ, उसके अंदर के डायमीटर को चेक करना है। किसी बन कहीं पे होल है, छिद्र है, उसके आंतरिक व्यास को चेक करना है सही बनाया नहीं, तो उसके लिए प्लग गेज। और अगर कोई बेलनाकार जॉब है, बेलनाकार जॉब है और उसके बाहरी व्यास को चेक करना हो सही है या नहीं, तब एक्सटर्नल वाला मतलब रिंग गेज। इसके लिए रिंग गेज और आंतरिक के लिए प्लग गेज। तो जैसे आप रिंग देखते होंगे, अंगूठी, रिंग का मतलब अंगूठी समझ लीजिए, रिंग हुई तो रिंग सेरेमनी आपने सुना होगा, आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है तो रिंग सेरेमनी होती है, मतलब उसमें अंगूठी एक दूसरे को पहनाई जाती है। तो वही चीज़ है कि रिंग का मतलब, रिंग गेज का मतलब अंगूठी से समझिए। अंगूठी कहाँ पहनते हो आप? उंगली के ऊपर, भाई अंगूठी ऐसे ऊपर चढ़ा करके पहनते हो ना। और यह देखिए रिंग जैसा दिख भी रहा है, रिंग गेज अंगूठी के जैसा दिख भी रहा है, तो यह कहाँ चढ़ेगा? किसी भी जॉब के ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर चढ़ेगा तो मतलब बाहरी सरफेस पे, मतलब बाहरी माप लेगा। रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी ऊपर पहनी जाती है, मतलब उंगली के बाहर पहनी जाती है, ऊपर पहनी जाती है, इसलिए रिंग गेज भी उसी से रिलेटेड है, तो रिंग गेज भारी माप को लेगा। ठीक है, वैसे ही प्लग से मतलब प्लग समझ लीजिए, जो आप अपने घरों में प्लग यूज करते हैं, प्लग होता है ना, दो पिन निकली होती है इस टाइप से, आपके चार्जर में भी होता है इस टाइप से, तो प्लग हो गया आपका। तो प्लग जो होता है वो कहाँ जाता है? प्लग जो होता है सॉकेट के अंदर चला जाता है। सॉकेट होता है, सॉकेट में क्या होता है हमारा? होल होता है। तो प्लग कहाँ होगा? सॉकेट के अंदर चला जाएगा। अंदर मतलब इस होल के अंदर चला गया तो अंदर की माप लेगा, इसका मतलब जो प्लग होगा वह आंतरिक माप को मापेगा। तो जैसे कोई भी अगर होल होता है तो यह प्लग क्या होता है? प्लग गेज इस होल के अंदर चला जाता है और इसके आंतरिक माप को चेक करता है। जबकि रिंग गेज कोई हमारा जॉब होगा तो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और बाहरी माप को चेक करेगा। तो ऐसे याद रहेगा, रिंग मतलब अंगूठी, वो बाहर अंगूठी के पहनी जाती है तो बाहरी माप को लेगा। प्लग का मतलब प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है, मतलब यह होल के आंतरिक माप को लेगा। तो आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए प्लग गेज और बाहरी व्यास को चेक करने के लिए रिंग गेज। ये आसान तरीका हुआ याद करने का। आप देख लीजिए प्लेन रिंग गेज क्या है, तो यही आपको दिख रहा था, प्लेन रिंग गेज का फिगर मैंने बता भी दिया इसका काम क्या है, बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। जबकि टेपर प्लग गेज, देखिए यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, टेपर है लेकिन प्लग गेज है, तो ये आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, जैसे यह प्लग गेज था वैसे यह प्लग गेज है। देखिए आगे का हिस्सा कैसा है इसका, टेपर में बना हुआ है। तो यह कहाँ पे यूज होगा? तो जो टेपर है, प्लग गेज है, मतलब आंतरिक को चेक करेगा, लेकिन किस चीज को? क्योंकि टेपर प्लग गेज है तो ऐसा होल जो टेपर में बना हुआ हो, जब होल हमारा टेपर में बना हुआ हो तो मतलब आप कह सकते हो कि टेपर होल के व्यास को चेक करने के लिए, टेपर होल को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज। ठीक है, और प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है? तो इसका प्लग गेज होता है और एक डबल इंडेड होता है, दोनों है। ठीक है, डबल इंडेड मतलब जिसके दो सिरे हो, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, एक सिरा इधर एक सिरा इधर, मतलब एक गो होता है एक नो गो होता है। मतलब हम कहीं पर भी जब चेक करते हैं ना कि जॉब सही है या नहीं, तो उसमें एक सिरा जो होना चाहिए, जैसे अब ये क्या होल के अंदर चला जाएगा तो एक सिरा होल के अंदर चला जाना चाहिए। कौन सा वाला? जिसपे गो लिखा हो, देखो इधर वाला गो है, इधर वाला नो गो है, तो जो गो वाला सिरा है वह होल के अंदर चला जाना चाहिए और जो नो गो वाला सिरा है वह होल के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो होल बना हुआ वो बिल्कुल सही है। ये तरीका होता है चेक करने का कि होल का व्यास सही बनाया या नहीं। तो जब हम इस प्लग गेज से चेक करेंगे तो जो गो वाला सिरा है होल के अंदर चला जाएगा और जो नो गो वाला सिरा है होल के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब यह होल सही है। और अगर दोनों चला जाता है तो होल गलत है, या दोनों अंदर नहीं जाता है तब भी होल गलत है। जो गो वाला है वो जाना चाहिए, नो गो वाला नहीं जाना चाहिए। तो यह नॉर्मल हो गया डबल इंडेड प्लग गेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि इसका गो और नो गो सिरा एक ही साइड बना दिया जाता है, जैसे इस फिगर में देखिए गो और नो गो दोनों सिरा एक ही साइड बनाया गया है और देखने में भी लग रहा है कि भाई एक है इसके बाद एक है, जैसे नहीं होता प्रोग्रेस कर रहा हो कोई चीज, एक ही साइड स्टेप वाइज स्टेप बनती जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेस में है। तो देखने में ही लग रहा है कि एक है इसके बाद है, इसके बाद सही लग रहा है कि प्रोग्रेस करते हुए बढ़ता जा रहा है, तो देखने में ही लग रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। तो इसका जो पहला हिस्सा था वो गो होता है और जो छोटा वाला होता है नो गो होता है। यहाँ भी देखेंगे तो जो गो वाला हिस्सा है वो बड़ा है और नो गो वाला छोटा है, फिगर में देखने में लग रहा होगा, देखिए पतला है और ये वाला हिस्सा चौड़ा है। तो गो वाला प्लग गेज में जो गो वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, नो गो वाला छोटा होता है, ऐसे भी देख करके आप पहचान सकते हो। तो देखिए इसमें पहला गो होता है, मतलब जब किसी होल को चेक करेंगे तो आगे वाला सिरा होल के अंदर चला जाना चाहिए और पीछे वाला सिरा या जो नो गो वाला है यह नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो होल सही बना हुआ है।
तो ये क्या होता है आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपका डबल एंडेड प्लग गेज, वो जो है मैंने आपको वहां पे दिखाया है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस गेज का नाम क्या है? देखिए इसीलिए मैं फिगर दिखा रहा था, हमने पीछे ही पढ़ लिया था। या कौन सा वाला गेज था? रिंग गेज था। रिंग मतलब अंगूठी जो उंगली के ऊपर पहनी जाती है, जो ऊपर पहन रहे हैं तो बाहरी माप को चेक करेगी, बाहरी व्यास को चेक करेगी, जबकि प्लग होता तो अंदर चला जाता है सॉकेट के, इसलिए वह आंतरिक माप को चेक करेगा। आसान है, रिंग गेज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लग गेज, तो देखिए प्लग गेज का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, किसके लिए होगा? आंतरिक माप को चेक करने के लिए होगा। टेपर रिंग गेज, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ना, टेपर प्लग गेज, प्लग का मतलब आंतरिक माप, रिंग का मतलब बाहरी माप। प्लग टेपर प्लग गेज है मतलब आंतरिक टेपर होल को चेक करेगा, और टेपर रिंग गेज है मतलब बाहरी चेक करेगा, लेकिन क्या? टेपर को, टेपर के बाहरी व्यास को, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे है हिस्सा, और इसका क्या है आगे, मान लीजिए इसका कैसा है, टेपर में है, तो इस टेपर को चेक करने के लिए, बाहरी टेपर को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज। आंतरिक होगा तो टेपर लगा दीजिए बस, प्लग गेज भाई आगे टेपर लग गया तो टेपर को चेक करेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला रहेगा, टेपर के साथ रिंग गेज लगाएं या प्लग गेज लगाएं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको चेक किसका करना है, आंतरिक करना है होल का करना है, आंतरिक व्यास करना है तो प्लग, और अगर बाहरी करना है तो रिंग। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको दोनों फिगर दिख गया होगा, टेपर रिंग गेज का या टेपर रिंग गेज है। देखिए रिंग जैसा बना हुआ, नर्लिंग किया गया होता है, यहाँ देख रहे होंगे रिंग गेज पे क्या किया गया है, नर्लिंग किया गया है। नर्लिंग इसलिए किया गया होता है ताकि हाथों में ग्रिप अच्छी बने, स्लिप ना करे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। मिलने वाले भागों के बीच मतलब अगर दो पार्ट आपस में मिल रहे हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत गैप होगा ना, थोड़ा बहुत तो गैप उसमें रहेगा ही, इतनी फिनिशिंग नहीं होती कि बिल्कुल एक दूसरे पे एग्जैक्ट बैठ जाए। तो जब दो पार्ट आपस में मिल रहे हैं, दो भाग आपस में मिल रहे हैं, तो वही कह रहा है कि मिलने वाले भागों की जो गैप है उसको किसकी मदद से चेक किया जा सकता है, गैप की जांच किसकी मदद से की जा सकती है, वो कौन सा गेज होता है? स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, त्रिज्या गेज। जैसे रेडियस गेज कहते हैं, रेडियस गेज को फिलर गेज के नाम से भी जानते हैं। फिलेट, देखिए फिलर अलग है, फिलेट अलग है, फिलेट गेज। वैसे जो स्लिप गेज आपको यहां दिख रहा है, स्लिप गेज के भी एक दो नाम है, जैसे कि गेज ब्लॉक, गेज ब्लॉक, या फिर जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, जॉनसन गेज। क्योंकि जो स्लिप गेज है वो जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, तो उनके नाम पर इसे जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, या गेज ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग मैंने आपको नाम बता दिया। वैसे फिलर गेज को हम लोग थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं, कौन से गेज के नाम से? थिकनेस गेज, थिकनेस गेज, थिकनेस का मतलब मोटाई गेज, कहीं पे लिखा रहता है मोटाई गेज, थिकनेस गेज, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, मिलने वाले भागों के बीच का गैप चेक करना है। तो इसका पहले मैं बता देता हूं, जो फिलर गेज है, जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है फिगर ना, ये फिलर गेज का फिगर है। किसका है? फिलर गेज का है। इसमें कई सारी ब्लेड होती है, दिख रहा है आपको, और सब ब्लेड अलग अलग मोटाई की होती है, सभी ब्लेडों पे अंकित की, जैसे 0.03, 0.04, 0.05, मतलब सब ब्लेड पे उसकी मोटाई अंकित की जाती है। कई सारी ब्लेड होंगी और सब पर उनकी थिकनेस मोटाई लिखी होगी। तो जैसे कोई दो पार्ट है इस टाइप से आपस में मिले हुए हैं, तो इनके बीच में गैप कितना है, तो इनके बीच में इस ब्लेड की पत्ती जो है ना, इसको अंदर डाला जाता है। जैसे 0.03 वाला डालिए, 0.04 वाला डाल के चेक कर लीजिए, तो जो बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा, एक ऐसा होगा ब्लेड, जैसे मान लीजिए 0.06 वाला इसमें नहीं जा रहा और 0.05 वाला चला जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कितना गैप है, 0.05 का। कभी कभी होता है एक ब्लेड से काम नहीं बनता, तो हम दो या तीन ब्लेड को भी एक साथ मिला करके इसमें डाल सकते हैं, फिर उसको बाहर निकाल करके तीनों ब्लेड पे जो माप लिखी होगी उसे आपस में जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों मिलने वाले पार्ट के बीच में कितना गैप था। नाम भी आपको आसानी से याद रहेगा, देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिलने वाले भागों के बीच का गैप जांच करने के लिए फिलर गेज। फिलर, फिल, फिलर का मतलब क्या, भर देना, नहीं होता फॉर्म फिल कर देना, उसी टाइप से फिलर, फिलर का मतलब भर देना, मतलब इस गैप को फिलर गेज भर देगा, तभी तो माप लेगा कि भाई कितनी गैप है बीच में। तो इस तरह थोड़ा याद रखा, फिलर गेज मतलब फिल कर देना, भर देना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मिलने वाले भागों के बीच गैप का जांच कौन करता है? फिलर गेज करता है। इस टाइप से इसका फिगर होता है। यह चार सेट में पाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि फिलर गेज कितने सेट में पाया जाता है? यस, चार सेट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। पहला जो ऑप्शन था स्लिप गेज,
या गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज क्या है, तो ऑप्शन मैंने आप सॉरी फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है इस टाइप से। ये होता हमारा क्या स्लिप गेज होता है। स्लिप गेज का जो हम यूज करते हैं दरअसल यह परिशुद्ध लंबाई के मापन के लिए, कहीं पर भी परिशुद्ध मतलब बिल्कुल एक्यूरेटिव में लंबाई को मापना, मतलब ये जो स्लिप गेज होता है इसी टाइप का होता है। अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, दिख रहा ना यहाँ दो ब्लॉक दिख रहा है, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ भी दो ब्लॉक है, तो इस तरह से अलग अलग साइज के ब्लॉक होते हैं स्लिप गेज, और इन पर इनकी लंबाई अंकित होती है। अगर लिखा हुआ है कि यह स्लिप गेज जो है 3 mm लंबा है, या मान लीजिए 10 mm लंबा है, स्लिप गेज की लंबाई लिख दीजिए कितना 10 mm, तो यह 10 mm लंबाई का ही होगा। अगर मान लीजिए आप इसको किसी माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से इसकी माप लेते हैं या स्केल से लेते हैं, और अगर यह जो हमारा स्लिप गेज दिख रहा है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसकी माप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने माइक्रोमीटर से इसको मापा और इसका माप 10 mm नहीं 9.8 mm आ रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ये जो स्लिप गेज है यह छोटा है, नहीं, इसका मतलब आपका माइक्रोमीटर गलत है। कहने का मतलब है स्लिप गेज बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है, या हाई ग्रेड स्टील के इसके ब्लॉक होते हैं, या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है। मतलब इसकी मदद से हम किसी सूक्ष्म मापी यंत्र को भी चेक कर सकते हैं कि वह सही है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया सूक्ष्म मापी यंत्र मतलब वर्नियर कैलिपर और जो आपको माइक्रोमीटर है, जैसे वर्नियर कैलिपर ले लीजिए, इसके लिखा है 10 mm, और वर्नियर कैलिपर से भी माप लीजिए, अगर वर्नियर कैलिपर में भी इस पर 10 mm लंबाई लिखा है और वर्नियर कैलिपर में भी 10 mm आ रहा है, इसका मतलब आपका वर्नियर कैलिपर सही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि वर्नियर कैलिपर या जो भी सूक्ष्म माप यंत्र माइक्रोमीटर है वो सही है या नहीं। और अगर वही आप माप लेते हो और उसमें माप सही नहीं बताता है, 10 mm से कम या ज्यादा बताता है, इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह खराब है, सही नहीं है, क्योंकि स्लिप गेज हमारा बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है। इसकी मदद से हम परिशुद्ध मापन लंबाई मतलब बिल्कुल शुद्धता में लंबाई को माप सकते हैं। परिशुद्ध लंबाई मापन हो जाएगा आपका लंबाई मापन में, या फिर सूक्ष्म मापी यंत्र को चेक करने में। आई बात समझ में? ये अलग अलग ब्लॉक होते हैं, इन्हें आपस में हम क्या करते हैं जोड़ करके इनकी लंबाई को बढ़ाया भी जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है अभी मैं आगे बताऊंगा। प्लग गेज क्या है? तो प्लग गेज मैंने आपको बताया था आंतरिक माप चेक करने के लिए, पीछे हमने फिगर भी देखा था, ये प्लग गेज था हमारा ना। उसके बाद आगे है आपका फिलर गेज। फिलर गेज हमने पढ़ लिया गैप की जांच करने के लिए, और उसके बाद लास्ट है रेडियस गेज या त्रिज्या गेज। रेडियस गेज को हम फिलर गेज के नाम से भी जानते हैं, यह कैसा होता था, देखिए यहाँ फिगर है, जो ये जो लास्ट आपको फिगर दिख रहा है, दोनों फिगर किसके हैं, रेडियस गेज या फिलर गेज के हैं। आ रही बात समझ में? किसके फिगर है, रेडियस गेज या फिलर गेज के, उधर दोनों हैं। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, देखिए रेडियस गेज मतलब त्रिज्या गेज, यह त्रिज्या को रेडियस को चेक करेगा। जैसे किसी जॉब पर ऐसे यहाँ रेडियस बन गया, ठीक है, तो इस रेडियस को चेक करने के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर आंतरिक रेडियस बना हुआ है ऐसे, ये वाला रेडियस, तो आंतरिक रेडियस हो चाहे ऐसे बाह्य रेडियस हो, चाहे आंतरिक हो, आंतरिक और बाह्य दोनों रेडियस को चेक किया जा सकता है रेडियस गेज की मदद से, जिसे फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। रेडियस गेज या फिलेट गेज, इसकी मदद से आंतरिक या बाह्य दोनों टाइप के रेडियस को चेक किया जा सकता है। कैसे, फिगर में देखिए, देखिए इस टाइप से आता है, दो टाइप का आता है, एक नीचे आपको दिख रहा होगा रेडियस गेज फिलेट गेज, ठीक है, रेडियस गेज या फिलेट गेज, इसमें देखिए दोनों अलग अलग है। इसकी मदद से जो यहाँ पे दिखाया गया है कई सारी ब्लेड इधर भी होती है इधर भी होती है, और सब पर उनका रेडियस अंकित होता है। जैसे इस पर देखिए 12.5 लिखा है, इस पर भी 12.5 लिखा है, 7.5 से 15 mm तक, मतलब इसमें अलग अलग ब्लेड है, सब पे लिखा होगा 7.5 mm 8 mm, मतलब जिसका जो रेडियस होगा जो त्रिज्या होगा वो दर्शाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे कैसा बना हुआ है इस टाइप से, तो यह कहाँ जाएगा, तो देखिए इसके अंदर, मतलब आंतरिक माप चेक करने के लिए, यहाँ लिखा ना इंटरनल रेडियस चेक करने के लिए, क्योंकि इस टाइप से बना हुआ, तो अगर कहीं जॉब में स्लॉट कटा होगा अंदर को ऐसे, तो यह वाला हिस्सा इसके अंदर ऐसे आ जाएगा और इसके रेडियस को चेक कर लेगा। जो ब्लेड इसमें से बिल्कुल परफेक्ट इसमें बैठेगा और यहाँ कहीं भी गैप दिखाई नहीं देगा, तो उस ब्लेड पे जो माप लिखा होगा कि यह 12.5 वाला फिट हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह 12.5 mm रेडियस का है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंतरिक रेडियस चेक कर लेंगे, और यह एक्सटर्नल के लिए है। एक्सटर्नल मतलब कहीं पर पे इस टाइप से है, बाहर को निकला हुआ ना ऐसे। अब इसका रेडियस हमें चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे गड्ढा टाइप का बना हुआ, यह वाला हिस्सा इस पे ऐसे बिल्कुल चढ़ जाएगा इस टाइप से, और फिर हम इसको चेक कर लेंगे। तो यह एक्सटर्नल रेडियस मतलब बाहरी रेडियस चेक करने के लिए, और यह वाला आंतरिक रेडियस चेक करने के लिए।
तो दोनों अलग अलग है ना, दो ब्लेड है, एक जो है इंटरनल रेडियस को चेक करेगा, एक एक्सटर्नल को चेक करेगा, मतलब एक आंतरिक को एक बाहरी को। जबकि ऊपर वाले पे क्या है, इसमें एक ही में दोनों टाइप के ब्लेड होते हैं। इसी ब्लेड में देखिए जो यह वाला नीचे वाला हिस्सा है यह एक्सटर्नल को चेक करता है, जबकि यहाँ जो ऊपर वाला है यह वाला हिस्सा यह इंटरनल को चेक करता है। मतलब इसमें दोनों ब्लेड इंटरनल और एक्सटर्नल वाले ब्लेड अलग अलग होते हैं, जबकि एक इस टाइप का भी आता है जिसमें एक ही में देखिए यहाँ पे जो बाहरी है ये इंटरनल को चेक करेगा और यह एक्सटर्नल को चेक करेगा। एक ही ब्लेड में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को चेक करने के लिए दिया गया होता है। तो ये फर्क है हमारा रेडियस गेज और फिलेट गेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज क्या था अभी हमने पीछे देखा, ये था हमारा स्लिप गेज। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं, अब देखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या स्लिप गेज है ये वाला। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए पूछ रहा है किस मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक, तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब जब भी स्लिप गेज हम यूज करते हैं वर्कशॉप वगैरह में कहीं पर भी जब स्लिप गेज यूज कर लिया जाता है तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो जब हम रखते हैं तो उसमें जंग वगैरह ना लगे, भाई ऐसे यूज करके रख दोगे तो क्या उस पर जंग लग जाएगा, आपका स्लिप गेज खराब हो जाएगा। तो स्लिप गेज को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ कर देते हैं, उसके बाद जब उसे रखते हैं तो उसमें जंग ना लगे इसके लिए उस पर एक मटेरियल आता है पेट्रोलियम जेली। क्या आता है, पेट्रोलियम जेली, इसको लगा दिया जाता है और फिर रखते हैं। पेट्रोलियम जेली क्या करता है, यह स्लिप गेज की जंग से सुरक्षा करता है, मतलब उस पर जंग नहीं लगने देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से पेट्रोलियम जेली, सॉरी पहले स्लिप गेज को साफ करेंगे किसकी मदद से, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से, और उसके बाद फिर उस पर पेट्रोलियम जेली लगा कर रखते हैं। पेट्रोलियम जेली क्यों लगाते हैं, जिससे कि उस पर जंग ना लगे, जंग से बचाव के लिए पेट्रोलियम जेली और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से उसे साफ करते हैं। ये चीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सामग्री से चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। थोड़ा हिंदी समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश देखते हैं। विच मेटेरियल इज टू वॉश ऑफ लैपिंग प्लेट, मतलब कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट को धोने के लिए। कब, आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद। चार्जिंग क्या दरअसल और लैपिंग प्लेट क्या, देखिए लैपिंग प्लेट क्या है, लैप जो होता है हमारा ना, लैपिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अधिक फिनिशिंग प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज की अच्छी फिनिशिंग करने के लिए लैपिंग यूज किया जाता है। किसी भी पदार्थ का अच्छी फिनिशिंग करने के लिए क्या किया जाता है, लैपिंग किया जाता है। लैपिंग में क्या होता है हमारा, दो चीजें होती है, एक लैपिंग मटेरियल होता है, इस तरह से फ्लैट माने किसी चीज को सकता है, वह किसका होगा, कास्ट आयरन का, पीतल का, ताबा का, किसी का भी बना सकता है लैपिंग मटेरियल। और लैपिंग मटेरियल पे हम लोग यूज करते हैं क्या, अब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, मतलब छोटे छोटे अपघर्षी कण यूज करते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। यह किसका हो सकता है, तो अब्रेसिव जो पार्टिकल होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, बोरान कार्बाइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, आ रही बात समझ में। तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड या इन सबों का पेस्ट बनाया जाता है। वो छोटे छोटे कण होते हैं, क्या होते हैं वो, महीन महीन छोटे छोटे बालू की तरह छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो घिसने के काम आते हैं। जब किसी जॉब को उसकी छोटे छोटे कण की मदद से घिसा जाता है तो उसमें चमक आ जाती है, अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो लैप में क्या होगा, एक लैपिंग प्लेट होगा, लैपिंग प्लेट हमारा कास्ट आयरन ताबा पीतल किसी चीज का बना होगा, और उस पर जो था जो अब्रेसिव पार्टिकल है, मतलब हीरा हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, उसका पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट को इसके ऊपर लगा देते हैं। किसके ऊपर, इस लैपिंग प्लेट के ऊपर। लैपिंग प्लेट हमारा कास्ट आयरन का, उस पर हमने अब्रेसिव पार्टिकल का पेस्ट बनाया, मतलब अब्रेसिव पार्टिकल मतलब हीरे का टुकड़ा छोटा छोटा लेकर के या एल्युमिनियम ऑक्साइड के छोटे छोटे कण लेकर के उन्हें इस पर फैला करके चिपका दिया। तो जब हम इस लैपिंग प्लेट पे उसको चिपकाते हैं अब्रेसिव पार्टिकल को, तो उसी को क्या बोला जाता है कि यह प्लेट अब चार्ज हो गई। मतलब अब इस लैपिंग प्लेट की मदद से हम किसी भी पदार्थ का लैपिंग कर करके उसमें अच्छी फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम इस प्लेट पर, लैपिंग प्लेट किसका बना था, लैपिंग लैप बोलता है, क्या बोलते हैं, लैप या लैप प्लेट है। जब आपका कास्ट आयरन का हो सकता है, कास्ट आयरन का, या आपका कॉपर का मतलब तांबा का, या पीतल का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, इस पर हमने अब्रेसिव पार्टिकल लगा दिया। तो जब हम अब्रेसिव पार्टिकल को इस लैपिंग प्लेट पे चढ़ा देते हैं, लेप लगा देते हैं, इसको चिपका देते हैं, तो बोला जाता है कि ये लैप हमारा क्या होगा, चार्ज हो गया। या लिखा था आफ्टर चार्जिंग,
या चार्ज करने के बाद। तो चार्ज करना यही होता है, लैपिंग प्लेट पर एब्रेसिव पार्टिकल के पेस्ट को लगा देना चार्जिंग कहलाता है कि अब हमारी यह प्लेट चार्ज हो गई है, अब इसकी मदद से हम किसी भी जॉब की लैपिंग कर सकते हैं। तो चार्जिंग करने के बाद क्या होगा कि जो कुछ इसमें कण होंगे ना, कुछ कण ढीले रहेंगे, मतलब पेस्ट में कुछ कण उसमें से ढीले रहेंगे जो निकल रहे होंगे। तो अगर उसको ले जाकर के आप जॉब की लैपिंग करेंगे तो कण उस जॉब के बीच में चला जाएगा, फिर स्क्रैच मार देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम प्लेट पर एब्रेसिव पार्टिकल का लेप चढ़ाते हैं पेस्ट के रूप में, तो उसमें जो ढीले कण है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ढीले कण कैसे बाहर निकलेंगे, तो उन्हें हम कैरोसिन मतलब मिट्टी की तेल की मदद से धोते हैं। अब समझ में आया मैं इतना क्यों आपको समझा रहा था? अगर मैं उसे सीधे बता देता कि भाई सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को मिट्टी की तेल से धो दिया जाता है, तो ये रटने वाली बात हो जाती है। क्या हो जाता? रटने वाली बात हो। लेकिन हमें समझना है, मैंने आपको पहले ही बताया 95 प्लस का टारगेट है, ठीक है, तो हमें समझना है। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि लैपिंग प्लेट पे एब्रेसिव पार्टिकल का जो हमने पेस्ट चढ़ाया, तो जब पेस्ट चढ़ाते हैं तो इसके जो एब्रेसिव पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े इसमें ढीले रहते हैं, मतलब बिल्कुल सही से उसमें नहीं लगे रहते, तो उन टुकड़ों को निकाल देना जरूरी है, नहीं तो वो प्लेट पे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, तो कण कैसे निकलते हैं? तो चार्जिंग के बाद, वही पूछा था ना कि चार्ज होने के बाद लैपिंग प्लेट को किससे धोना चाहिए। जब हम इसको चार्ज कर लेते हैं, लैपिंग प्लेट पे पेस्ट लगा लेते हैं, तो उसके बाद उसे मिट्टी के तेल से धो देते हैं, जिससे जो ढीले कण है वह बाहर निकल जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए, देखिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्लिप गेज को यूज करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से धो करके साफ किया जाता है। फिर जब हम उसे वर्कशॉप में कहीं भी रखने जाते हैं सुरक्षित, तो उसमें जंग लगने का खतरा रहता है, रखे रखे जंग लग जाता है। तो जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली लगाया जाता है। इसे फ्री एसिड वैसलीन भी कहते हैं, फ्री एसिड वैसलीन। आई बात समझ में? तो ये होता हमारा पेट्रोलियम जेली, स्लिप गेज पे लगाते हैं हम लोग। और जब भी, फिर जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोलियम जेली लगा करके स्लिप गेज को रख दिया, लेकिन जब आप उस स्लिप गेज को यूज करने जाओगे, जब आप उस स्लिप गेज को यूज करने जाओगे दोबारा से, तो उस पर से फिर हम पेट्रोलियम जेली को हटाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, उसको धोना पड़ेगा। किस में धोगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। और उसमें धोने के बाद फिर हम इसे कपड़े से पोंछते, एक चमड़े का कपड़ा होता है जिसे क्या बोलते हैं, चैमोइस लेदर। क्या बोला जाता है? चैमोइस लेदर, मतलब सांभर का चमड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांभर का चमड़ा। अब ये क्या चीज है? तो ये एक विशेष प्रकार के एक हिरन होता है ना, हिरन जानते होंगे, हिरन की खाल का बना होता है, उसकी चमड़े का बना होता है सांभर का चमड़ा, एक विशेष जाति का एक हिरन होता है, ठीक है, चैमोइस, तो उसी को बोलते हैं चैमोइस लेदर। मतलब जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से जो है हम स्लिप गेज को धोएंगे, उस पर से पेट्रोलियम जेली को साफ करेंगे ताकि हम उसे फिर यूज में ले सकें, तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोया जाता है तो उसके बाद उसको पोंछते हैं अच्छी तरह से। तो किस कपड़े से पोंछते हैं? तो चैमोइस लेदर होता है, चमड़े का कपड़ा होता है, जिसकी मदद से हम उसको पोंछ करके साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? What is the procedure to build up the slip gauge for particular dimension? देखिए slip gauge अलग अलग साइज के होते हैं। slip gauge कैसा था आपने देखा अभी, इस टाइप से अलग अलग टुकड़े थे उसके, ऐसे ही तो था, ठीक है। तो इन slip gauge को क्या किया, सब अलग अलग साइज के होते हैं। क्या होते हैं? सब अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। तो इन स्लिप गेजों को आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? स्लिप गेज को आपस में जोड़ते हैं। तो वही कह रहा कि विशेष आयाम के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्लिप गेज 3 mm का है, कितने का है इसकी, मान लीजिए इसकी मोटाई कितनी है, 3 mm है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी 2 mm है। आपको क्या चाहिए? आपको 5 mm वाला स्लिप गेज चाहिए, 5 mm मोटाई वाला। तो आप क्या करोगे, इस 3 mm इस 2 mm के स्लिप गेज को आपस में चिपका दोगे, तो ये 5 mm का हो जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे कैसे, चिपकाएंगे कैसे? फेविक्विक लगा कर नहीं चिपकाया जाता, इन दोनों को आपस में एक दूसरे पर रखते हैं और घुमा करके चिपकाते हैं, रगड़ करके चिपकाते हैं। और स्लिप गेज को आपस में रगड़ करके चिपकाने की प्रक्रिया को रिंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंगिंग प्रोसेस। 2, 3, 4, 5 जितनी भी स्लिप गेज चाहो आप आपस में एक दूसरे पर रख करके उन्हें रगड़ करके चिपका सकते हो, और उस प्रक्रिया को रिंगिंग बोला जाता है। मतलब स्लिप गेज को आपस में जोड़ करके अलग साइज को बनाने को, जोड़ने की प्रक्रिया को, बिल्टअप करने की प्रक्रिया को रिंगिंग बोला जाता है, ठीक है। पीछे में फिगर में थोड़ा दिखा दूंगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रखा था,
दो स्लिप गेज को देखिए यहाँ पे आपस में जोड़ा जा रहा था, तो पहले दोनों स्लिप गेज को क्या एक दूसरे के क्रॉस में रखा हमने, फिर इसे घुमाया, देखिए आयरो बनाना घुमा रहे हैं, इन स्लिप गेज को घुमा करके एक सीध में कर दिया, मतलब स्लिप गेज को घुमा करके, मान लीजिए पहले क्या है, रुक जाए, पहले दोनों क्रॉस में है इस टाइप से, फिर जब दो, ये बता रहा हूं मैं स्लिप गेज को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा, जो इन्हें हम घुमा करके रगड़ करके जोड़ते हैं उस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, तो दोनों स्लिप गेज को पहले क्रॉस में रखिए, इन्हें घुमा करके एक सीध मिलाइए, फिर थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर वापस उसी सीध मिला दीजिए, तो दोनों बिल्कुल आपस में चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, वैक्यूम की वजह से, क्योंकि मैंने बताया स्लिप गेज बिल्कुल फिनिशिंग में बिल्कुल एक्यूरेट साइज का होता है, तो जब इन्हें रगड़ करके वापस ले आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में थोड़ी भी वायु की मात्रा नहीं रह जाएगी, वायु जरा भी नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा तो मतलब वहाँ वैक्यूम हो जाता है, तो यहाँ पे वैक्यूम की वजह से दोनों आपस में चिपक जाएंगे। फिर इन्हें निकालने के लिए भी आप खींच के अलग नहीं कर सकते, इन्हें निकालने के लिए भी हल्का सा पीछे को स्लाइड करेंगे, इनके बीच में वायु आ जाएगी, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस इन्हें जोड़ने का, तो जो है दिखाया गया फिगर में जोड़ने का दिखाया गया, पहले क्रॉस में रखिए, घुमा करके सीधा कीजिए, बैक ले जाइए, फिर वापस ले आकर के दोनों को एक सीध में रख दीजिए, तो इस प्रक्रिया से जो हम रिंग गेज को जोड़ते हैं वह क्या कहलाता है, हमारा रिंगिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। यहां देख लेते हैं हम लोग, ये चीज हो गया, तो हम लोग रिंगिंग प्रोसेस को जोड़ते हैं, तो विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, रिंगिंग प्रक्रिया है, लेकिन हम कैसे करेंगे, देखिए अब दो हो गए, इसमें भी रिंगिंग है, इसमें भी रिंगिंग है, अब क्या सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें या छोटी स्लिप गेज के पास, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास चार पांच रिंग गेज है, एक छोटी साइज, एक उससे बड़ी साइज, फिर एक इससे भी बड़ी साइज, ठीक है, देख रहे हैं ना, छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो आप इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो ये पूछ रहा कि सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करेंगे, मतलब पहले सबसे बड़ा बड़ा वाला जोड़ के छोटा वाला जोड़ेंगे, या पहले छोटी से शुरू करेंगे बड़ी की तरफ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग सोचिए कि अगर मान लीजिए आप छोटा वाला पहले जोड़ लेते हैं, दो को घुमा करके जोड़ लेते हैं, फिर तीसरा बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरा बड़ा आएगा तो उसके साथ इन छोटे वाले को घुमाने में दिक्कत होगी, या अलग हो सकता है, नहीं हो पाएगा, पहले आप क्या करोगे, पहले बड़े वाले कहीं सामान भी होता तो ये दोनों पहले बड़ा वाला रखते हैं, फिर इसके ऊपर छोटा वाला, फिर इसके ऊपर छोटा वाला, ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले छोटे वाले को रख दे, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर उसके ऊपर बड़ा, तो गिर जाएगा, सामान भी रखते समय आप क्या करते हैं, बिल्ड सामान भी तो एक तरह से बड़ा किया जाता है, रख रख करके, तो सबसे पहले नीचे सबसे बड़ी सामान, उसके ऊपर उससे छोटी, उसके ऊपर उससे छोटी, तो वही काम होता है स्लिप गेज में भी, जब हम रिंगिंग प्रोसेस द्वारा इन्हें जोड़ते हैं तो सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करते हैं, मतलब पहले सबसे दोनों बड़ी स्लिप गेज को आपस में रगड़ करके जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी छोटी, फिर उससे छोटी, आई बात समझ में, किससे शुरू करेंगे, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस गेज का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे एक गेज आपको दिख रहा है और इस गेज का इन्होंने नाम पूछ रखा है, तो देखिए फिगर में जो है, पहले चले इसको बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एनविल, मतलब यह एनविल फिक्स्ड है, इससे हम इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकते, वो वहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर जो है आपका, यह दो एनविल ऊपर भी हैं, इन दोनों एनविल को बोलते हैं एडजस्टेबल एनविल, मतलब इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्क्रू दिया हुआ है जिसकी मदद से इसको एडजस्ट किया जाता है, तो ये फिक्स्ड वाला हो गया, एडजस्टेबल हो गया, और इसी में जो आगे वाला हिस्सा है ना, यह गो होता है और जो पीछे वाला होता है इसे नो गो बोलते हैं। तो देखिए इसके नाम में ही आ गया, नीचे वाला फिक्स्ड एनविल है और ऊपर वाला एडजस्टेबल है, मतलब हमें जिस साइज की जॉब को चेक करना होगा उसके अनुसार हम इस एनविल को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं उस जॉब के साइज के अनुसार, तो इसीलिए यह कौन सा वाला होगा, तो आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज होगा, स्नैप गेज है लेकिन कौन सा वाला है, एडजस्टेबल है, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल एनविल लगा हुआ है जिसे हम स्क्रू की मदद से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो सी ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज, तो थ्रेड पिच गेज आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, स्क्रू पिच गेज, थ्रेड पिच गेज को स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे ब्लेड है, इस पर अलग अलग पिच के दांते कटे होते हैं, किसी भी स्क्रू का पिच चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यह हाई बोल्ट इस पे थ्रेड कटा हुआ है तो इसको हम लोग इस पर रखेंगे इस ब्लेड को, और इसकी मदद से जो ब्लेड बिल्कुल सही इसमें सेट हो जाएगी उसका हम पिच पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा कि इसका पिच क्या है, पिच का मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी। तो इस तरह से हम स्क्रू पिच गेज की मदद से किसी भी थ्रेड की पिच को चेक कर सकते हैं, या उसकी प्रोफाइल की तुलना भी की जा सकती है, इसकी जैसी आकृति है, प्रोफाइल है, उसकी इससे तुलना भी की जा सकती है। वैसे ही थ्रेड स्नैप गेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यह स्नैप गेज नॉर्मल वाला था, और थ्रेड वाले में देखिए दो जोड़ा है आपका, एक गो का जोड़ा है और एक नो गो का जोड़ा है, इस पर थ्रेड कटा हुआ है,
ऐसे अंदर वाले में भी थ्रेड कटा हुआ है, तो आगे वाले में चला जाना चाहिए, पीछे वाले में नहीं जाना चाहिए, इस टाइप वाला कॉन्सेप्ट होता है। गो का मतलब इसमें चला जाए, नो गो का मतलब उसमें थ्रेड वाले में नहीं जाए। तो यह थ्रेड स्नैप गेज नाम से पता चल रहा है, स्नैप गेज लेकिन कौन सा वाला है, थ्रेड वाला है, मतलब यह थ्रेड को यह भी चेक करेगा, बारिश रेट को, ठीक है, बारिश रेट को चेक करेगा, उसके प्रोफाइल को भी चेक कर सकता है। और सबसे ऊपर जो है आपका प्लेन स्नैप गेज, मतलब नॉर्मल स्नैप गेज है, यह सब एडजस्टेबल वाले हैं, यह नॉर्मल है, इसमें देखिए एक साइड गो और एक साइड नो गो होता है, और इसकी मदद से किसी भी जॉब की आप इसमें क्या लंबाई को भी नाप सकते हैं, किसी जॉब की मोटाई को चेक कर सकते हैं, किसी जॉब के ब्यास को चेक कर सकते हैं। तो लंबाई मोटाई या ब्यास वगैरह को इस प्लेन स्नैप गेज की मदद से चेक किया जा सकता है, और जो एडजस्टेबल था इसकी मदद से भी वही काम कर सकते हैं। बस इसमें है कि हम इसमें साइज फिक्स है, साइज को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें हम आवश्यकता अनुसार जॉब के साइज के हिसाब से एनविल को एडजस्ट कर सकते थे, इसलिए इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज कह रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।